नमो जिनाणम। आज हम जानेंगे अंतरिक्ष की पहली राशि यानी कि मेष राशि के बारे में। मेष राशि जिसका प्रतीक चिन्ह है मेड़ा यानी कि भेड़, जो बहुत मासूम सा जानवर है लेकिन उसके अंदर ऊर्जा बहुत पाई जाती है। कभी किसी पहाड़ी क्षेत्र में आप जाके देखें जहां पर मेड़ और जो है भेड़ पाई जाती हैं, तो उनके अंदर शक्ति बहुत पाई जाती है और आने वाले कल से पूरी तरीके से बेखबर, लेकिन उनके अंदर ऊर्जा शक्ति का प्रवाह कई गुना बेहतर होता है। मेष राशि के जातकों का भी सेम यही हमें फल देखने को आता है। यदि आपकी जन्म राशि मेष है तो आपके अंदर ऊर्जा शक्ति का प्रवाह बहुत अच्छा होता है। क्या करना है क्या नहीं करना है जो मन में आया उसे करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, लाभ हानि से बेखबर। क्या फायदेमंद है क्या नुकसान होगा इससे कोई चिंता नहीं होती है। तो मेष राशि यानी कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वह राशि आपकी जन्म राशि कही जाती है। तो यदि आपकी जन्म राशि मेष है और आपके जीवन में बार बार समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, बार बार आपको दिक्कतें आ रही हैं, सफलता आपके पास नहीं आ पा रही है, आर्थिक संकट आपके जीवन में आ रहे हैं, आरोग्यता नहीं है, पेट से संबंधित बीमारियां आपको हो सकती हैं, गुप्त रोग आपको हो सकते हैं, रक्त विकार, मेष राशि का स्वामी है मंगल, तो मंगल की वजह से रक्त अशुद्धि, खून से संबंधित बीमारियां मेष राशि के जातकों को सबसे ज्यादा होती हैं, तो ऐसी बीमारियों से, जीवन में आने वाली समस्याओं से, आर्थिक संकटों से यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने इष्ट देव की आराधना करना प्रारंभ कीजिए। ज्योतिष शास्त्रों में, मंत्र विज्ञान में या जितने भी ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें परामनोविज्ञान की चर्चा हुई है, उनमें प्रत्येक राशि के बारे में बताया गया है और उस राशि के जातक को यदि कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो अपने अपने इष्ट आराध्य से उसका समाधान मांगे, ऐसा प्रतिफल हमें पढ़ने में आता है। क्योंकि जैसे ही हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो हम उसके विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाते हैं। मान लीजिए आपके शरीर में कोई बीमारी हुई, आपके शरीर में कोई हार्ट डिसीज है, कोई हृदय संबंधी बीमारी है, तो आप कहाँ जाएंगे, जो आपके नज़दीक में हार्ट का स्पेशलिस्ट होगा आप उसके पास जाएंगे, हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे, डायबिटीज है तो डायबिटीज के विशेषज्ञ के पास जाएंगे। ठीक ऐसे ही आपकी राशि में, आपके जीवन में आने वाली दिक्कतों को यदि कोई दूर कर सकता है तो उसके लिए आपको अपनी राशि के विशेषज्ञ के पास जाना बहुत जरूरी है। जैन परंपरा में प्रत्येक राशि के अलग अलग इष्ट देव निर्धारित किए हुए हैं। जैन परंपरा में आराध्य की संख्या में 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकरों के पश्चात उनके गणधर देव यानी कि 1452 गणधर देव हैं, फिर रिद्धिधारी मुनिराज हैं, फिर आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, नवदेवता हैं, तीर्थंकर भगवंतों के यक्ष यक्षिणी हैं, तीर्थंकर भगवंतों के क्षेत्रपाल देव हैं। तो बहुत बड़ा संख्या में कहूँगा बहुत बड़ा समुदाय है जो कि पूजनीय की श्रेणी में आता है। लेकिन मूल रूप से जैन श्रावक के लिए तीर्थंकरों की विशेष पूजा करने का विधान है। हम देखते हैं कि जब आचार्य मानतुंग स्वामी के जीवन में जो कोई समस्या आई, उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया, 48 ताले लगा दिए, बेड़ियां पहना दी, तो उन्होंने श्री आदिनाथ भगवान की विशेष आराधना की श्री भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से। ऐसे ही आचार्य कल्याण कुमचंद स्वामी के जीवन में जब समस्या आई तो उन्होंने श्री पार्श्वनाथ भगवान की आराधना की। उन्होंने 24 तीर्थंकर भगवंतों की आराधना क्यों नहीं की, उन्होंने किसी एक तीर्थंकर की क्यों चुना, क्योंकि वे जानते थे कि हमारी राशि के, हमारे जन्म राशि के इष्ट देव कौन हैं और उनकी आराधना करने से ही हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं, समाधान पा सकते हैं। वर्तमान में भी ग्रस्तों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जन्म कुंडली के हिसाब से, हमारी जन्म कुंडली के हिसाब से हमारा राशि क्या है, हमारी राशि कौन सी है। चंद्रमा कुंडली के जिस ग्रह में बैठता है, चंद्रमा कुंडली में जिस राशि में जाके बैठता है वह राशि आपकी जन्म राशि कही जाती है। तो जन्म राशि को जानने के पश्चात फिर आप ये निर्णय करेंगे कि हमारी राशि ये है तो हमारे इष्ट देव कौन हैं। सबसे पहली राशि है मेष। तो मेष राशि के
जातकों के लिए इष्ट देव के रूप में श्री शांतिनाथ भगवान, श्री मल्लिनाथ भगवान और श्री नमीनाथ भगवान है। अगर आपकी राशि मेष राशि है और आपको यदि ये जानना है कि हमें किसकी विशेष आराधना करनी है किसी भी समस्या से मुक्ति पाने के लिए, तो हमें श्री शांतिनाथ भगवान, श्री मल्लिनाथ भगवान और श्री नमीनाथ भगवान की विशेष आराधना करनी चाहिए। अगर आप और विशेषता से जानना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप हमसे व्यक्तिगत संपर्क करें, तो हम आपकी राशि में जन्म नक्षत्र, योनि, गण, नाड़ी और वर्ण को देख करके आपके लिए इन तीन तीर्थंकरों में से कौन से तीर्थंकर विशेष रूप से पूजनीय हैं, आराध्य के रूप में स्वीकार हैं, वो आपको बता सकते हैं। आप सामान्य समझ लीजिएगा श्री शांतिनाथ, श्री मल्लिनाथ और श्री नमीनाथ भगवान मेष राशि के जातकों के लिए इष्ट देव के रूप में स्वीकार हैं। नक्षत्रों में थोड़ा सा परिवर्तन है। यदि आपका जन्म नक्षत्र भरणी है तो आपके लिए श्री शांतिनाथ भगवान ही पूजनीय है, और यदि आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है तो आपके लिए श्री मल्लिनाथ भगवान और श्री नमीनाथ भगवान जिनका नंबर है 21वां और मल्लिनाथ भगवान जिनका नंबर है 19वां, तो ये दो तीर्थंकर जिनका नक्षत्र अश्विनी है उनके लिए पूजनीय है। तो इतनी सी भिन्नता है, भरणी नक्षत्र वालों के लिए श्री शांतिनाथ भगवान और अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए श्री मल्लिनाथ भगवान और श्री नमीनाथ भगवान, ये दो तीर्थंकर पूजनीय है। दोनों में से किसी भी एक तीर्थंकर को आप चुन सकते हैं और उनकी विशेष आराधना कर सकते हैं। क्या मिलेगा आराधना करने से? आपके जीवन में जो रोजाना नित नई परेशानियां आती रहती हैं, कभी कभी आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है, जीवन में रोग शोक भय लगातार बना रहता है, तो जब आप इष्ट देव की आराधना करते हैं तो उससे जीवन में आने वाली सभी समस्याएं, सभी परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही साथ हमें ये एहसास होता है कि कोई है जो हमारी रक्षा कर रहा है, कोई है जो हमें इस समस्या से दूर ले जाएगा, कोई है जो हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। तो अपने अपनी राशि के अनुसार हमें अपने अपने इष्ट देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। आगामी वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आपकी राशि के कौन कौन से इष्ट देव हैं जिनकी आपको विशेष आराधना नित्य प्रति करनी चाहिए, क्योंकि हम जब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, इष्ट देव की साधना आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सरल, सहज, सौम्य और सफलतादायक हो जाता है, नहीं तो जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। तो हम सभी अपने अपने इष्ट देव की आराधना करें, साधना करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ ओम।